नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मंजोत्रा और मैं लेके आया हूं आज जो हमने एक जीओसी शुरू की हुई है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस कर रहे थे। और जो हमारी दो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने क्या किया था, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था और इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट कौन सा हमारा, दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से देखा होगा, उसकी वीडियो देखी होगी, तो आपको ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि दोनों में आप डिफरेंस भी करेंगे, इसका इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डिफरेंस करेंगे, तो उसमें हम अगर थोड़ा सा रिकैप करें तो उसमें हमने क्या कहा था कि उसमें भी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट होती थी। उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर की क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट होती थी। और डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट जो होती थी वो क्या होती थी, दैट इज टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। उसमें इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सी होती थी, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाती थी, जो इलेक्ट्रॉन पे शेड पेयर होता था वो एक तरफ चला जाता था। पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सारे। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर की, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी, पर क्या होगी, दैट इज टेम्परेरी। तो ये इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट। उसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक में अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या, डेफिनेशन क्या कहती है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर पेयर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। दो एटम्स हैं, दो एटम्स लगे हैं, उनमें क्या होनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होनी चाहिए। और उस मल्टीपल बॉन्ड में क्या होगा, जो शेयर पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो एक तरफ चले जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। किसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट। कहने का मतलब कि अटैकिंग रिएजेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जहां शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन से, दो तरीके के होते हैं ना, एक मान लो हम कहते हैं सिग्मा और एक पाई, एक जो एक बॉन्ड होती है वो सिग्मा में रहती, दूसरी बॉन्ड क्या बनाती है, पाई। पाई थोड़े से लूज होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, लूज बॉन्ड होते हैं, तभी ये लूज है तो एक तरफ चले जाएंगे, मतलब मूव कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जिसमें वर्ड क्या लिखा हमने, क्या लाइन क्या लिखी है, दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। उनमें जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, एक तरफ चले जाएंगे। फर्क इस चीज का है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, अटैकिंग रिएजेंट नहीं पड़ता था, इसमें अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक एग्जाम्पल देखें। अगर हम एडिशन, अगर हमारे पास क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है CO, इसमें क्या है, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, दूसरी कौन सी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड। इसका मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही एक तरफ चले जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। और मैंने ये भी बोला कि ये वाला जो इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है, दैट इज अ टेम्परेरी। ये कौन सा है, टेम्परेरी। इसमें क्या किया, जैसे मैं एडिशन किया तो इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले गए, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसमें एक चीज, मेन चीज समझने वाली चीज क्या है, उसमें क्या कि जैसे हम अटैकिंग रिएजेंट को हटा देंगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे मैं एडिशन ऑफ रिएजेंट किया, अटैकिंग रिएजेंट, इसमें स्पेसिफिक करो, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट डाला, जैसे डाला उससे क्या हुआ, जैसे पास आया तो क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, नेगेटिव चार्ज यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे रिमूव किया वापस ये अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इसमें एक बड़ी खास चीज है, उसमें क्या होता था, कंप्लीट सेपरेशन नहीं होती थी चार्जेस की। इसमें क्या आता था, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता था। इसमें क्या होती है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब इसमें क्या बन गए, इसमें क्या बन गए, हमारे आयंस बन गए, क्या बन गए, आयन बन गया, क्लियर। साथ में साथ एक और चीज देखें कि उसमें, हालांकि मैं आपको डिफरेंस तो करवाऊंगी, उसमें क्या था, आपको जरूरी नहीं था कि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट में डबल मल्टीपल बॉन्ड होना। इसमें जरूरी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड तो होने ही चाहिए, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तभी ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्लियर। तो इसके टाइप्स में क्या आती है,
प्लस ई, जैसे इसमें पढ़ा था प्लस आई और माइनस आई, इसमें क्या आता है प्लस ई माइनस ई, प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और माइनस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हमारे आगे टाइप्स आ गई प्लस ई और माइनस ई, इसको समझते हैं अभी। अभी फिलहाल थोड़ा सा और डीपली चले जाएं। जैसे मैंने कोई सिंपल सी कोई भी दो एटम्स लगे हैं, ए और बी है, और मैंने वर्ड बोला था अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट में भी नेगेटिव भी हो सकता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। सपोज मानता हूं कि मान लो कि एक्स नेगेटिव चार्ज अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है नेगेटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव कहां पर जाएगा, मान लो सपोज ये इधर को चलेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए राइट साइड को इधर बी की तरफ। इसका मतलब अगर ये इधर को जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑब्वियसली, तो ये इधर को इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव और यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। अगर यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन पर चले गए यहां पे पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव के लिए जगह यहां पे बन गई। हालांकि हम इसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, अगर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, तो ये एक्स कहां पे लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, ये किधर लगेगा इस साइड पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं शिफ्ट होके कहां चले गए बी की तरफ चले गए। अगर बी की तरफ चले गए तो यहां पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे क्या छोड़ जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव किस चीज का अटैक होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव का, नेगेटिव का यहां पे अटैक होगा। मतलब कि कैसे बन जाएगी चीज, ये एक्स यहां पे आ गया ठीक है, तो ये बी यहां पे नेगेटिव, जो जो पेयर उधर चलेगी, यहां पे चार्ज कौन सा आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या हो पॉजिटिव हो, अगर क्या हो पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो मान लो ये इधर को जा रहे हैं, अब पॉजिटिव चार्ज किधर किधर लगेगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है तो ये किसको कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ये पॉजिटिव इधर अटैक करेगा, तो फिर क्या बन गया यहां पे, इसका मतलब ये चला गया यहां, तो यहां के चार्ज छोड़ गया यहां पे पॉजिटिव। ये चीज समझनी है थोड़ी सी कि अटैकिंग रिएजेंट किस तरीके से अटैक कर रहा है। और ये चीज याद रखनी है कि दोनों जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट का आना ठीक है और चार्ज का पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, ये चीजें अलग अलग नहीं है, ये साइमल्टेनियसली हो रही है। ये क्या हो रही है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ये चीज ध्यान रखनी है। कभी भी ऐसी स्टेज नहीं आएगी यहां पे आपको, चलो ये हम बना रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको नजर आए, ऐसी कोई स्टेज नहीं आएगी। ये चीजें क्या हो रही है फटाफट से साइमल्टेनियसली, जैसे आया वैसे ही ट्रांसफर हो गया, आपको ये स्टेज मिलेगी नहीं, ये हम बना रहे हैं वैसे, पर ये चीजें का अटैक क्या होगा साइमल्टेनियसली होगा, ये चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। और देखिए एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये क्या है कि न्यूक्लियोफाइल है, वैसे एग्जांपल ले लिया हमने, और ये क्या है कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप में आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन पता क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ चीज इलेक्ट्रॉन शेड पर इलेक्ट्रॉन्स को खींच दिया, और जाते कौन से ये वाले पाई, ये बड़ी समझने वाली चीज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले नहीं जाएंगे, ये तो क्या सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है पाई बॉन्ड, मैंने पहले कहा पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो थोड़े से लूज होते हैं, तो फिर क्या होगा जैसे ही ये इधर को अटैक करेगा ये यहां पे जो शेयर पे जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां चले गए यहां पे चले गए ठीक है। तो ये बनेगा कैसे फिर, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गई हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये यहां पे हमारे पास क्या आया प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट ठीक है। प्लस ई इफेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स दैट एटम ऑफ डबल बॉन्ड टू विच रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी, जिस तरफ अटैकिंग रिएजेंट आके लगेगा, यही जो ये हमारे जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरफ जाएंगे जिधर अटैकिंग रिएजेंट आके लगेगा। अभी तो यहां पे दोनों एटम सेम है तो किसी भी साइड पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जा सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों क्या है कार्बन कार्बन दोनों इक्वल है। सपोज हम मानते हैं कि ये इधर को चले गए, अब ये अटैकिंग रिएजेंट किधर को लगेगा, मैंने ये क्या बोला किस तरफ लगेगा, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टुवर्ड्स दैट एटम
ऑफ डबल बॉन्ड, दैट एटम ऑफ डबल बॉन्ड टू विच रेजेंट गेट्स अटैच्ड। इसका मतलब अगर ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेड पर इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। अगर नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कहाँ पे करेगा, यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि शेड पर इलेक्ट्रॉन्स किधर गए, जिधर जिस साइड पे अटैकिंग रेजेंट आके लगा, इसे बोला प्लस ई इफेक्ट। तो क्या चीज बनी फिर, इस तरीके से बना। तो ये क्या था, इधर गया क्योंकि ये नेगेटिव था, ये आके यहां पे लग गया, क्लियर। तो यहां पे एक चीज और आ गई, यहां पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये माइनस ई की इफेक्ट की एग्जांपल देखते हैं। माइनस ई इफेक्ट क्या है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स एटम ऑफ डबल बॉन्ड अदर देन वन टू विच रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड। अब किस तरफ ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, जिधर अटैकिंग रेजेंट नहीं है, उसके ओपोजिट। उसमें क्या था, ट्रांसफर उधर हो रहा था जिधर अटैकिंग रेजेंट आगे लगता था, अब ट्रांसफर किधर होगा, जिधर अटैकिंग रेजेंट नहीं लगा, मतलब ओपोजिट टू अटैकिंग रेजेंट, ठीक है। दोनों अपोज करेंगे। सपोज जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अभी भी एग्जाम्पल की थी हमने, ये क्या है, आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींचेगा ये शेयर पर इलेक्ट्रॉन्स को, चला गया। अगर चला गया तो ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, यहां पे क्या छोड़ जाएगा, कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया, अगर ये इधर गया तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या, पॉजिटिव। अगर यहां पे पॉजिटिव आया तो ये आके कहां पे अटैक करेगा, यहां पे। देखो अब अटैकिंग रीजन किधर लगा, इधर लगा, और ट्रांसफर किधर हुई है, दूसरी तरफ, ओपोजिट। उसमें क्या था, जिधर को शेड पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही थी उधर ही अटैकिंग रेजेंट आके लग रहा था, इधर शेड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो रहे हैं और अटैकिंग रेजेंट आके दूसरी तरफ लग गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखते हैं आगे कैसे क्या बना, सी ओ, ये क्या है, यहां पे साइनाइड और यहां पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, क्लियर। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल ने आके यहां पर अटैक किया। चीज जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि इफेक्ट में प्लस ई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है कि अटैकिंग रेजेंट की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रो अटैकिंग रेजेंट आएगा तो रिएक्शन होना पॉसिबल है। तो इसमें कहा कि अगर मान लो प्लस सॉरी आई इफेक्ट एंड ई इफेक्ट दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हो रहे हैं बट इन ओपोजिट डायरेक्शन, दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में, इट इज जनरली ई इफेक्ट ओवरकम्स आई इफेक्ट। उसमें क्या होगा, कौन हावी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे ज्यादा हावी होगा, ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज क्या है कि जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो एडिशन रिएक्शंस देगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण कौन सी रिएक्शंस आती हैं, एडिशन रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल वगैरह, वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, यूज कहां पे हो रहा है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि ये क्या देती है, इसके बेसिस पे क्या आती है, एडिशन रिएक्शंस, क्लियर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जीओसी पार्ट 3 का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, आगे भी आगे हमारे इसके डिफरेंस भी आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव इफेक्ट हमारी अगली वीडियो में आएगा। तो होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चैनल को आप क्या करें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने सजेशंस बताइए, ठीक है। और अपने कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के पेज लर्न विद आपका गुरुकुल पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही था, अगली नई वीडियो में दोबारा हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।